लोकसभा चुनाव 2024 अब कुछ ही दिनों में होने वाली है, जिसको लेकर सभी घटक दलों की बेचैनियां सामने आने लगी है और वो जनता के बीच पहुंचकर अपने अपने लोक लुभावने वादों के जरिए जनता को रिझाने का भरपूर प्रयास भी कर रहे हैं। इसी दौरान आज शुक्रवार को जन विश्वास यात्रा के चौथे चरण में बक्सर के किला मैदान में पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपनी हुंकार भरी, जिसमें राजद, कांग्रेस, भाकपा माले सहित अन्य महागठबंधन दलों के कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत झोंक दी थी। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं तथा आम जन पहुंचे थे। उन्होंने हजारों की संख्या में पहुंचे राजद कार्यकर्ताओं तथा जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार मेरे पिता लालू यादव और मेरे माता राबड़ी देवी के पास आकर माफी मांगते हुए बोले थे कि भाजपा हमें तोड़ने का काम कर रही है, इसलिए अब हमें मिलकर साथ होते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को बिहार के नेस्तोनाबूद कर देना है, मगर हमने शर्त रखी कि जो हमने जनता से नौकरी देने का वादा किया है उसे पूरा करना पड़ेगा और इसी शर्त पर हमने नीतीश को समर्थन दिया और 17 महीनों में 5 लाख नौकरी देने का कार्य किया। वहीं उन्होंने कहा कि मेरी ए टू जेड की पार्टी है और हम सभी को सम्मान करते हुए सबको एक साथ लेकर चलने का कार्य करेंगे। वही कार्यकर्ताओं की भीड़ तेजस्वी के पास जाने के लिए बेकाबू दिखी। कार्यकर्ताओं में युवा पीढ़ी ऐसे भी थे कि मंच के डी एरिया में घुसकर मंच पर चढ़ते दिखे। इतना ही नहीं, मंच पर तेजस्वी को माल्यार्पण तक नहीं करने दिए। मंच से जाते समय सुरक्षा कर्मी के साथ साथ बरहपुर विधायक शंभू यादव गिर पड़े। फिर सुरक्षा कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें रथ में बैठाया। संजय उपाध्याय, वरिष्ठ संवाददाता की रिपोर्ट, सिटी न्यूज बक्सर से। ये सबल की पार्टी है, ए टू जेड की पार्टी है। हम लोग सभी जाति के लोगों को, धर्म के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को सम्मान करना चाहते हैं, सम्मान करेंगे, साथ लेकर के चलना चाहते हैं, साथ लेकर के चलेंगे। लोगों को मौका भी मिलेगा, हर जाति के लोगों को के बारे में